वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं। मैं हूं हाजिर आपके लिए एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार, जुम्मा मुबारक। और सारे काम ख़त्म करके, बच्चों के अपने सब काम जो है ख़त्म करके, मैं अभी फारिग हुई थी और अब हम बनाएंगे अपनी रेसिपी। आज हमारे किचन में बन रहा है, क्या बन रहा है आज हमारे किचन में? बहुत ही मज़ेदार जो है दाल बन रही है। दाल कौन सी बन रही है? मसालेदार दाल माश बन रही है। वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। रेसिपी जो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल माश, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत आला बनती है, तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और सीधा चलते हैं रेसिपी। दाल माश की, ठीक है। तो ये वाला जो छोटा कप है ये मैंने लिए है 1.5। आपको जितनी चाहिए आप उतनी ले लें, ठीक है। ये 1.5 जो कप है ये मैंने नाप लिया है दाल का। और हम सबसे पहले इसको साफ़ करेंगे और इसको करेंगे बॉईल। अच्छा जी, तो दाल यहाँ पे बॉईल हो रही है और आपने इसका ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है आपने दाल, और बहुत ज़्यादा कच्ची भी नहीं रखनी है। बस दरमियानी सी हमें ये गली हुई चाहिए दाल, मतलब हल्की सी गली हुई चाहिए दाल, ताकि जो बहुत ज़्यादा कच्ची भी ना लगे मसाला भूनते हुए। बाकी जो ये जब हम मसाला इसका भूनेंगे तो ये ठीक हो जाएगी, तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं गलाना, ठीक हो गया। जब तक ये दाल बॉयल हो रही है हम तब मसाला बना लेंगे इसका। अच्छा जी, तो मसाले में हमने क्या लेना है? 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, ये लहसुन लिया है एक छोटा सा हमने लिया है पीस अदरक का, ठीक है। और 3 टमाटर मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के, ये फ्रीज़ हुए हैं, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, मेरे पास अभी फ्रीज़ हुए पड़े थे। और 2 लेमन लिए हैं, 8-10 हरी मिर्च है मेरे पास, और हरा धनिया है। ये सारा मसाला है, हम इसका नॉर्मल मसाला बनाएंगे, जैसे हम लोग बाकी हांडी का जो मसाला बनाते हैं वैसे हम इसका मसाला बनाएंगे। रेडी हैं, प्याज भी काट लिया, टमाटर भी काट लिए, हरा धनिया, लेमन, लहसुन भी पीस लिया है, अदरक हमने बारीक बारीक काटना है, हरी मिर्च भी हम बारीक बारीक ही काटेंगे। और अब हम चलते हैं इसको बनाने की तरफ। दाल जो है वो बॉईल हो चुकी है और अब हम बनाएंगे इसका मसाला। ऑयल ले लिया है मैंने, और एक दालचीनी का पीस, 3 से 4 अदद लौंग, और एक बड़ी इलायची है, ये पहले डाल देंगे ऑयल में। जीरे का 1 चाय का चम्मच भर के ऐड करेंगे इसके अंदर, और साथ ही हमने प्याज जो है ब्राउन हो गए हैं, और टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं तो हम इसमें लहसुन अदरक ऐड कर देंगे कुटा हुआ, और इसमें हम ऐड करेंगे 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च, 2 चाय के चम्मच हमने इसके अंदर सूखा धनिया ऐड करना है, 1 चाय का चम्मच नमक ऐड किया है इसमें, 1 चाय का चम्मच हल्दी, और हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। हमने अब इसमें दाल ऐड कर देंगे, और दाल को हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी सी जो है दरमियानी सी रखी थी, ज़्यादा गलाई नहीं थी और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं की थी, और इस वजह से हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि अगर पहले दाल अच्छे से गला लो ना तो फिर मसाला बनाते हुए भूनते हुए वो बिल्कुल हलवे की तरह बन जाती है। तो हमने इसलिए दाल को पहले थोड़ा सा नॉर्मली रखना। हमने जो है भून ली है अच्छे से, दाल हमारी इस टाइम बिल्कुल रेडी है, और सबसे एंड पे हम इस लेमन ऐड करेंगे इसके अंदर 1 पूरा। हाँ जी, तो ये हमारी दाल जो है वो बिल्कुल तैयार है, इसको अब हम बाउल में निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा तड़का लगाएंगे दाल के ऊपर, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ऑयल के अंदर प्याज 1 काटा है पूरा, छोटे साइज का एक प्याज ले लें, तो वो काट के आपने वो ऐड कर देना।
साथ ही इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। और कड़ी पत्ता थोड़ा सा ऐड करेंगे। और मैं दाल निकाली थी, इसके ऊपर पहले हम अदरक डालेंगे जो हमने बारीक काटी थी। और ये हमने इसके ऊपर दाल के ऊपर तड़का लगा दिया। इसको बहुत ज़्यादा हमने वो प्याज को ब्राउन नहीं करना है, किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना था। बस हल्का सा ऑयल के अंदर हमने प्याज और हरी मिर्च और कड़ी पत्ता ऐड करके दाल को सबसे एंड पे तड़का लगा दिया है। एंड पे थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार दाल माश रेडी हो गई है। आप इस तरह से लाजमी ट्राई करें, बनाएं, और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है तो इसको ज़रूर फॉलो करना है, आपने ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है आप लोगों ने कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलती है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.